हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेबी कैफ्री बनाने जा रहे हैं, वो भी शॉर्ट। तो सबसे पहले हमें कपड़ा लेना है और इस कपड़े को हमें फोर लेयर में फोल्ड करना है। ये कैफ्री हाफ मीटर कपड़े से ही बन जाएगी। तो हमने कपड़े को फोर लेयर में फ़ोल्ड किया है और हम ये कैफ्री 6 से 7 ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं। तो ये हम बचे हुए कपड़े से ही बना रहे हैं, 2 कलर की बनाएंगे हम। इसमें सिर्फ हाफ मीटर कपड़ा ही लगेगा यदि आप 1 कलर से बनाओगी तो। अब हमें हिप का थर्ड लेना है, जैसे कि हिप 24 इंच हैं तो उसका थर्ड हुआ 8 इंच। 8 इंच पे हमें एक मार्क करना है। आप जिस भी साइज़ की बनाएं तो आप हिप का थर्ड भाग ही लें। ऐसे मैंने 8 इंच पर एक मार्क किया है। अब मैं आपको इसकी लेंथ बता रही हूँ। मैं इसकी जो लेंथ ले रही हूँ वो 11 इंच ले रही हूँ और जो ये पार्ट्स तैयार होंगे सिल के ये 10 इंच के होंगे। 2 इंच की मैं इसमें तैयार बेल्ट लगाऊंगी तो ये 12 इंच की कैफ्री सिल के तैयार होगी। तो हम मैं 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसी तरीके से हमें ये नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान रखें, जो आज मैं आपको कटिंग बता रही हूँ वो वेरी इजी है और एक ही साथ में दोनों पर्दे कट करना बताऊँगी मैं कैफ्री के। देखिए, इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद जो मैं आसन ले रही हूँ वो भी हिप का थर्ड ले रही हूँ 8 इंच। यहाँ पे हमें 8 इंच पे मार्क करना है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लें, हिप का थर्ड ही लें आप जो आसन लें। और ऐसे हमें एक लाइन सीधी ड्रॉ करनी है। वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था 1/2 इंच, वो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं फ़िलहाल। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच अंदर की तरफ करेंगे इसे और ऐसे हमें पूरी लाइन ही सीधी खींच लेनी है। इसके बाद मैं आपको कट करके बता देती हूँ कि मुझे कपड़ा 8 इंच ही फोल्ड करके लेना था। सिर्फ मुझे इतना ही कपड़ा लेना था ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जो मैंने कपड़े की चौड़ाई ली थी वो मैंने 8 इंच ली थी, हिप का थर्ड भाग लिया था। इसके बाद फिर मैंने जो आसन लिया था वो भी हिप का थर्ड ही लिया था। फिर 1.5 इंच मैंने अंदर की तरफ इसे ऐसे लाइन ड्रॉ की है सीधी और यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे गोलाई कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने ये कैफ्री की ड्राफ्टिंग की है और यहाँ से हमें जितनी भी मोहरी लेनी है मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और जो प्रॉपर है वो 6.5 इंच है। और ऐसे सीधी एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है। ध्यान रखें, आप जो ये बॉटम पार्ट लें ये थोड़ा लूज ही लें आप। तो इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और नीचे की तरफ से भी हम इसे कट करेंगे। इसके बाद अब जो हम फ्रंट पर्दे निकालेंगे वो हम बैक पर्दे से थोड़े 1 इंच के करीब छोटे लेंगे चौड़ाई में। तो मैंने इसे ऐसे ही फोल्ड किया है, 1 इंच मैंने इसे पीछे की तरफ किया है और इसे साइड से मैं कट कर दूँगी। तो 2 हमारे पर्दे होंगे वो छोटे होंगे जो फ्रंट के हैं और 2 पर्दे हमारे बड़े रहेंगे जो बैक के पर्दे हैं। तो इस तरीके से एक ही साथ में मैंने दोनों पर्दों की कटिंग कर ली है, बैक और फ्रंट। इसके बाद मैं पॉकेट की कटिंग करना बता रही हूँ आपको। पॉकेट की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ और यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। जो पॉकेट की चौड़ाई है वो 2.5 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से मुझे एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर मुझे 1/2 इंच पर गोलाई करनी है। इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 ली है, लेंथ 5 इंच ली है और 1/2 इंच पे मुझे इसकी ऐसे गोलाई करनी है। अब मैं कटिंग कर रही हूँ। ये वेरी इजी मेथड है, आप ट्राई ज़रूर करें। इस तरीके से मैंने पॉकेट की कटिंग की है। अब ये हमारी जो कैफ्री है इसकी कटिंग हमने हो चुकी है। अब मैं आपको स्टिचिंग करने का मेथड बता रही हूँ। सबसे पहले हमें फ्रंट पर्दा लेना है और इसे हमने सीधा रखा है। इसके बाद हमने पॉकेट का कपड़ा लिया है, इसे हमें फ़ोल्ड करके रखना है और फोल्ड करके इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है, लेंथ मैंने 7.5 इंच ली है। पॉकेट की कटिंग से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ली है। यदि आप लेंथ में और बनाना चाहती हैं पॉकेट तो आप और भी कपड़ा ले सकती हैं एक्स्ट्रा। तो पॉकेट वाले कपड़े को मैंने ऐसे उल्टा रखा है। उसके बाद जो ये पर्दा है इसे मैंने इसके ऊपर सीधा रखा है और सिलाई लगानी है ऐसे। ये जो पॉकेट लगाने का मेथड है ये भी वेरी इजी है, आप देखिए। देखिए, इस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है और अब हमें इसे कट करना है।
इस तरीके से मैंने इसमें कटिंग की है। अब मैं यहाँ पे पाइपिंग लगाऊंगी इसमें, जो मैंने दूसरा कपड़ा लिया है और इसे मैंने प्रेस कर ली है। इससे पहले मैंने इस तरह की पाइपिंग लगानी बताई थी, आप वहाँ पे भी देख सकती हैं। यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ ताकि पाइपिंग लगाते टाइम फिनिशिंग अच्छे से आ सके। तो मैंने कपड़े को ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है प्रेस से, और सिर्फ हमें इसे सेंटर में रखना है, दोनों तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस तरीके से पाइपिंग लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है, आप ट्राई करें। तो देखिए मैंने ये पाइपिंग लगा ली है और दोनों तरफ ही बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है। इसके बाद अब हमें जो पॉकेट वाला कपड़ा है इसे हमें ऐसे बैक साइड में फोल्ड करना है, ऐसे सीधी तरफ, और सिलाई लगानी है। इसे मैंने सीधा ही फोल्ड किया है और मैं नीचे की तरफ सिलाई लगा रही हूँ। अब हम इसे ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देखने में पॉकेट बाहर की तरफ से तो, अंदर की तरफ से तो उल्टी लगेगी, और सीधा करके देखेंगे तो हमारी ये पॉकेट सीधी लगेगी इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पे इसे दोनों तरफ सिलाई लगा के इसे फिक्स करना है ताकि ये इधर उधर ना हो। तो ये जो पॉकेट है ये मैंने बना ली है, और इसी तरीके से आप दूसरे पर्दे में भी पॉकेट बना लें। एक पर्दे में मैंने आपको पॉकेट बनाना बताया था, दूसरे पर्दे में मैंने पॉकेट बना ली है। और इसके बाद हम इसे ऐसे रखेंगे और हमें आसन पे सिलाई लगानी है। ध्यान रखें जब भी हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई हमारी एक ही सीध में आनी चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। कम ज़्यादा होने से फिनिशिंग नहीं आती है, तो सिलाई आप एक ही सीध में करें। फ्रंट आसन को मैंने सिल लिया है। इसके बाद बैक पर्दे लेने हैं हमें, और बैक पर्दे के आसन को भी हमें सिलना है इस तरीके से, और सिलाई लगानी है। ये मैंने बैक आसन भी सिल लिया है। इसके बाद हमें फ्रंट पर्दे को ऐसे सीधा रखना है, इसके बाद बैक पर्दे को हमें उल्टा रखना है और एक तरफ साइड में सिलाई लगानी है। ध्यान रखें जब हम साइड में सिलाई लगा रहे हैं तो पॉकेट वाली सिलाई भी हमें लगानी है। इस तरीके से मैंने साइड में सिलाई लगाई है। अब इसके बाद जो वेस्ट है वो हम नापेंगे, कितनी है ये हमारी, ऐसे इंची टेप को रखना है और हमें वेस्ट नापनी है। ये हमारी आ रही है 28 इंच, जो वेस्ट है वो 28 इंच है। तो हम दूसरी जो बेल्ट ले रहे हैं वो 28 इंच ही ले रहे हैं फिक्सी। तो ये कपड़ा हमारा फोल्ड है, ये 14 है और सिंगल में 28 इंच होगी। लेंथ में 2.5 इंच ली है। सिल के तैयार ये 2 इंच की बेल्ट होगी, और मैं यहाँ पे इलास्टिक लगाऊंगी, वो मैं दूसरा तरीका बताऊंगी आपको इलास्टिक लगाने का। तो अब हमें इस पर्दे को लेना है, इसे हमें सीधा रखना, बेल्ट को फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है लास्ट तक। ध्यान रखें जो हमारी इलास्टिक है उसकी चौड़ाई 2 इंच है, तो हमें ये सिलाई में सिर्फ 1/2 इंच ही लेना है, 2 इंच ये होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो सिलाई वाला कपड़ा है उसे हम नीचे की तरफ करेंगे, और यहाँ पे भी हमें एक सिलाई लगानी है। ध्यान रखें ये सिलाई फिनिशिंग से आनी चाहिए, टेढ़ी ना हो, एक ही सीध में आप सिलाई लगाएं। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें इलास्टिक लेनी है, और इलास्टिक को हमें इसमें बेल्ट में लगाना है। आप पेचकस या सुई की सहायता से भी इसे लगा सकती हैं इलास्टिक को। इस तरीके से मैंने इलास्टिक लगा ली है। अब हमें दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है। और जो ये पॉकेट है साइड से, इसे भी आप इस पर्दे के साथ ही सिलें, जो नीचे की तरफ रह जाएगी 2.5 इंच, ऐसे हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद अब हम इसे सीधा करेंगे और इस बेल्ट के ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे इलास्टिक को खींचते हुए, ताकि जो हमारी ये इलास्टिक है ये फोल्ड ना हो। कई बार जो हमारी ये इलास्टिक है ये फोल्ड हो जाती है, तो आप इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगा लें। चाहे तो आप एक दो सिलाई भी लगा सकती हैं, ऐसे मैंने इसमें एक सिलाई लगा ली है। अब बॉटम पार्ट बना रहे हैं, हमें इसे ऐसे रखना है और एक पट्टी लेनी है हम 2 इंच की, और पट्टी को भी हमें उल्टा रखना है, और जो हमारा ये पर्दा है इसे भी हमें उल्टी साइड में ही रखना है, और पट्टी को भी इसे हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और सिलाई लगानी है। जो हमारा पर्दा है ये भी हमने उल्टा रखा है, और पट्टी को भी हमने उल्टा रखा है, और तब हमने ये सिलाई लगाई है। इसके बाद हम इसे सीधी तरफ फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे भी हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है।
इसी तरीके से आप दूसरे तरफ भी ऐसे ही पट्टी लगा लें। मैंने एक तरफ आपको लगानी बता दी थी पट्टी, और दूसरी तरफ आप लगा लें। इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में, और यहाँ पे हम नीचे की तरफ भी सिलाई लगाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा ली है, जो हमारी ये कैफरी है ये कंप्लीट है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।